Hello friends, welcome to Chandra Institute Allahabad. Today we are going to take very important topic about inclusive educations. Students often complain that we face some problem when we solve inclusive education type questions. Guys, यहाँ पे हम आपके लिए ये special video लाए हैं, बहुत different, बहुत easy तरीके से आपको problem होती है, बिल्कुल ये video देखने के बाद आपको problem नहीं होगी, कैसे questions को solve करें, इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन आता है, क्या पूरा प्रारूप है, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल, जो भी वीडियो, जो भी आपने क्लासेस ली होगी, कहीं भी क्लासेस आपने ली है, मैं आपसे वादा करता हूं ये जो क्लास है ये बहुत ही डिफरेंट क्लास है और आपको बहुत आनंद आने वाला है. ओके गाइस, तो चलिए हम लोग देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को. एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं. अगर मैं आपसे बात करूं बैकवर्ड चिल्ड्रेन मीन्स मंद बुद्धि बालकों की बात करें, तो उन्हें और जो एजुकेशन दी जाएगी उस पर विशेष तौर पे जो फोकस होगा वो क्या होगा, तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है ना. बैकवर्ड जो चिल्ड्रेन होंगे उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेशन, भाई बैक मंद बुद्धि बालक, तो उसको जितना से अधिक आप प्रदर्शित करके समक्ष विजुअल चीज़ों को आज ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से पढ़ाएंगे उतना ही वो बेटर कर पाएगा. तो बैकवर्ड स्टूडेंट के लिए सबसे द बेस्ट मेथड होता है वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है. ऑडियो विजुअल का एड्स का जो यूज है वो मैक्सिमम लेवल पे करना चाहिए बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए, यानी मंद बुद्धि बालकों के लिए. चलिए, ये तो मैंने बात की आपसे, अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे आगे बढ़ते हैं. देखिए, यहां पे हमने पॉइंट लिया है डोंट कंसीडर अबाउट स्पेशल ट्रीटमेंट, नो बडी इज वीवीआईपी. ओके, आपने देखा ना कि वीवीआईपी का चलन है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहा है, वीवीआईपी चल रहा है भैया, वीवीआई. यहां पे समावेशी शिक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन में नो बडी इज वीवीआईपी, नो बडी इज वीआईपी. ओके, एवरी वन इज कॉमन. तो यहां पे देखिए, स्पेशल क्लास इज प्रोहिबिटेड व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन. देखो, स्पेशल क्लास होती है लेकिन वो स्पेशल क्लासेस किसके लिए होती हैं, टोटली ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो वो फिर इंक्लूसिव में नहीं आ गए, समझिएगा बात को. व्हेन देयर इज गिवन अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन व्हाट डू यू कंसीडर, आप क्या समझते हैं, क्या आपके विचार है, तो स्पेशल क्लास इज प्रोहिबिटेड, किसी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लास नहीं रहेगी. स्पेशल एजुकेशन इज प्रोहिबिटेड, किसी स्टूडेंट के लिए स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था नहीं होगी. स्पेशल स्कूल इज प्रोहिबिटेड, यानी किसी स्टूडेंट के लिए स्पेशल स्कूल की व्यवस्था नहीं रहेगी. व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ये होता है, स्पेशल स्कूल होते हैं लेकिन वो स्पेशल स्कूल किसके लिए होते हैं, जो टोटली ब्लाइंड हो उनके लिए होते हैं, उनके लिए जो डम्ब और डीफ हो उनके लिए होता है. ओके गाइस, उनके लिए होता है. तो यहां पे आपको यह ध्यान देना है कि किसी के लिए भी वीवीआईपी व्यवस्था नहीं होगी, किसी के लिए भी वीवीआईपी व्यवस्था नहीं होगी. वीवीआईटी ट्रीटमेंट से संबंधित हर ऑप्शन, हर विकल्प गलत होगा, यह आपको माइंड में रखना है. ईच एंड एवरी ऑप्शन वुड बी रॉन्ग विच इज पर्टेनिंग टू वीवीआईपी स्पेशल, वट एवर इज स्पेशल that would be wrong about inclusive education. I am talking about inclusive education. Okay? तो inclusive education की अगर चर्चा की जाए, के संदर्भ की बात की जाए, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, डोंट बी इमोशनल. आप इमोशनल नहीं हो सकते. प्रश्न आ जाए कि एक बच्चा स्टेयर्स को, सीढ़ियों को नहीं चढ़ पा रहा है और क्लास आपका सेकेंड फ्लोर पे है, अब आप उसको स्पेशल तौर पे स्पेशल चेयर्स की व्यवस्था करोगे, स्पेशल व्हील्स की व्यवस्था करोगे, आप किसी प्रकार की कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, यदि वो इंक्लूसिव एजुकेशन ले रहा है, नहीं जरूरत है, वो बच्चा अपने आप जाएगा, यानी वो इस रूप में सक्षम है कि वो चला जाएगा, तभी आप उसको समावेशी शिक्षा के तौर पर समावेशी शिक्षा में सम्मिलित कर रहे हैं, आपने उस पर वर्क कर लिया है कि वो ठीक है सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वो चला जाएगा, आप उसको समावेशी शिक्षा में शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो इस रूप में सक्षम है. आप बच्चा सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर ले जाने के लिए उसके लिए स्पेशल व्हील्स की व्यवस्था करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे. आप इमोशनल मत होइए,
आप भावुक मत होइए, अरे यार ये तो हैंडीकैप्ड है, ये तो कैसे जाएगा, और आप इमोशनल हो के आप ऑप्शन गलत लगा देती हो। आई थिंक व्हाट एवर आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू, यू कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी पॉसिबल दैट एट सच कंडीशन यू मे बी इमोशनल व्हेन यू आर गेटिंग अबाउट हैंडीकैप्ड एंड सच मीन्स, जब हैंडीकैप और इस तरह के आप पाते हैं तो आपके अंदर एक इमोशन का भाव आ जाता है या उसके संदर्भ में आप सोचने लगते हैं, और यही यहीं से वो आप आपके प्रश्न को आपके आंसर को गलत करा देते हैं, यहीं से विकल्प आप गलत कर जाते हैं। समावेशी में है इसका मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वो ब्लाइंड है, वो आप समझ सकते हैं भाई। टोटली ब्लाइंड जो होता है, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे, वो समावेशी में नहीं आएगा, लेकिन आप ब्लाइंड कर सकते हैं, सेमी ब्लाइंड कर सकते हैं, वो आपका समावेशी में आ जाएगा, इंक्लूसिव में आ जाएगा। अब ब्लाइंड वर्ड केवल दिया गया है तभी आपके समझने पर निर्भर करता है कि ब्लाइंड जो है वो समावेशी में आएगा कि नहीं आएगा, वो विकल्प बताएंगे, वो हम आप नहीं बता सकते। लेकिन टोटली ब्लाइंड अगर दिया गया है तो वो समावेशी में नहीं आएगा, वो अपवाद हो गया। लेकिन सेमी ब्लाइंड दिया है तो वो समावेशी एजुकेशन में आएगा। अब केवल ब्लाइंड वर्ड है तो ब्लाइंड वर्ड की एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन करेगा, ये हम आप नहीं कर सकते। ब्लाइंड वर्ड की व्याख्या वो क्वेश्चन करेगा कि वो ब्लाइंड से उनका तात्पर्य टोटली ब्लाइंड से है या सेमी ब्लाइंड से है, वो विकल्प बताएंगे, वो ऑप्शन बताएंगे। सामान्य तौर पर ब्लाइंड को आपको, अंधे को आपको यही मानना है कि सेमी ब्लाइंड, सामान्य तौर पर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सामान्य तौर पर आप यही मानेंगे। देखिए ये सब कुछ ऐसे बारीक पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको समझना होता है, जिनके आधार पर आपको डिसीजन लेने होते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया भैया, डोंट बी इमोशनल। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस ऑन हैंडीकैप चिल्ड्रेन, यानी हैंडीकैप चिल्ड्रेन पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप वहां पे क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। आपको लगता है कि इनके संदर्भ में कुछ करना चाहिए, खास होना चाहिए, खास व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यदि वो समावेशी कक्षा में है, स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। ओके, ये आपको माइंड में बैठाना है। कॉमन क्लासरूम मीन्स, देखिए कॉमन क्लासरूम का मतलब क्या है यहां पे समझिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट यहां पे हम आपको दे रहे हैं कि कक्षा आपकी कैसी है, क्लास इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, और जो आप क्लास दे रहे हैं वो कॉमन क्लास है, सभी के लिए क्या है, कॉमन क्लास है। लेकिन ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल अरेंजमेंट, देखिए मैंने एक बहुत बड़ा वर्ड लिखा है, स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल मेथड्स का प्रयोग आप करेंगे। देखिए केवल एक वर्ड का प्रयोग हो रहा है, स्पेशल मेथड्स, स्पेशल अरेंजमेंट। यहां अरेंजमेंट से मतलब आपको समझिएगा, जैसे भाई आप ले लो एक बच्चा है जो मंद बुद्धि का है, बैकवर्ड माइंड का है, और एक बच्चा है जो गिफ्टेड है, आप कह सकते हैं कुशाग्र बुद्धि का है। अब दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, भैया पढ़ रहे हैं, कुशाग्र बुद्धि का जो बालक है उसने तो 5 मिनट में वो क्वेश्चन कर लिए, और जो मंद बुद्धि का बालक है वो अपना धीरे धीरे कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। अब देखिए, अब जो कुशाग्र बुद्धि का बालक है वो कर क्या सकता है, वो उस बालक को, मंद बुद्धि बालक को परेशान कर सकता है ना, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, ये तो कहने का मतलब आप जानते हैं बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, आप समझ सकते हैं, तो वो उसको ह्यूमिलिएट कर सकता है। तो आपको उस कुशाग्र बुद्धि के बालक को ह्यूमिलिएट माने नीचा दिखाएगा, कुछ ऐसा एक्टिविटीज कर सकता है कि वो ह्यूमिलिएट कर सकता है, नीचा दिखाएगा। तो ह्यूमिलिएट ना करें ऐसा अवसर आप क्यों देंगे, तो उस बालक को आप क्वेश्चन प्लस करके दे दो, कुछ अलग टफ क्वेश्चन दे दो। आपको यह प्रयास करना है कि 10 मिनट्स में दोनों बच्चे, 10 मिनट्स में, अब आप बताइए आपने स्पेशल अरेंजमेंट किया कि नहीं किया, उसके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिए है ना, जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसके लिए आपने थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिए, और जो बैकवर्ड माइंड का चाइल्ड है उसको आपने इजी क्वेश्चन दे दिए। यह आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप उस जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसके लिए आपने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने प्लस कर दिए, 20 क्वेश्चंस कर दिए, और बैकवर्ड माइंड का जो स्टूडेंट्स हैं
बैकवर्ड जो चाइल्ड है, जो मंद बुद्धि का बालक है, उसके लिए आप 5-7 क्वेश्चन आपने दे दिए। तो कहने का मतलब आपने स्पेशल अरेंजमेंट किया, यही स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब है, यानी स्पेशल मेथड और स्पेशल अरेंजमेंट होगा, समझिएगा। लेकिन जो क्लास होगी आपकी वो क्या होगी भाई, कॉमन क्लासरूम होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी, जो एग्जांपल्स मैंने सटीक एग्जांपल दिए, बिल्कुल स्पष्ट व्यवहारिक एग्जांपल मैंने आपको दिए कि कैसे आप मैनेज करेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम को, समावेशी कक्षा को, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने स्पष्ट किया। सो गाइज यू मस्ट हैव इन योर माइंड देयर मे बी स्पेशल अरेंजमेंट, देयर मे बी स्पेशल टीचिंग, स्पेशल टीचिंग मैथड्स, स्पेशल मैथड्स आपके स्पेशल हो सकते हैं, क्योंकि जब अलग अलग माइंड के बच्चे हैं तो उनको प्रॉपर उतने मिनट तक आपको मैनेज रखना है, और मैनेज नहीं रखेंगे, अगर वो बिजी नहीं रहेगा तो वो डिस्टर्ब भी करेगा, वो बैकवर्ड चिल्ड्रेन को ह्यूमिलिएट करेगा, नीचा दिखाएगा, या कुछ है, जो है समस्या क्रिएट कर सकता है। आप जानते हैं वो हाथ से ऐसे ऐसे करना, बच्चे जो है गांव देश में क्या करते हैं आप समझ सकते हैं, राइट, हर जगह आपने देखा होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए वही हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पे मल्टी लेवल टीचिंग, मल्टी लेवल टीचिंग का मतलब वही, इन 5 मिनट्स, देखिए मैंने आपको स्पष्ट किया, 5 क्वेश्चंस फॉर मेंटली बैकवर्ड इन 5 मिनट्स, और उसी 5 मिनट में 20 क्वेश्चंस फॉर जीनियस, जो प्रतिभाशाली है उसके लिए आपने 25 क्वेश्चन दे दिया, या थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया आपने, बात वही है। तो मल्टी लेवल ऑफ टीचिंग, अब वो आप अपने टीचिंग में थोड़ा सा मल्टी लेवल यहां पे स्पेशलिटी आप ला सकते हैं, लाएंगे तभी आप मैनेज कर पाएंगे। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा होता है, ये अगर आपने सेम क्वेश्चन दे दिया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो मैंने आपको बताया क्या, केवल वो टीचिंग मैथड में स्पेशलिटी आप लाएंगे, टीचिंग मेथड में आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट के दरमियान आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करेंगे टीचर को। ये बात, ये पॉइंट को आप समझिएगा, इस पॉइंट के आधार पे सब स्पेशल मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहां से बारीक क्वेश्चन निकलते हैं और बहुत सावधानी की जरूरत होती है। मैंने स्पेशल अरेंजमेंट के संदर्भ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया आपको कि कैसे आप इन पॉइंट्स को, स्पेशल अरेंजमेंट को कैसे आप समझेंगे, ये मल्टी लेवल टीचिंग को कैसे आप समझेंगे। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। और डियर गाइस, हम लोग आप सबके लिए बहुत, जो पेड स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए जी जान, मतलब पूरी समर्पित भाव से हम लोग टीचिंग करा रहे हैं, और निश्चित रूप से आप सबको सफलता मिलेगी। अभी तक जो स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाए हैं और वेट कर रहे हैं कि अरे यार, तो अरे में मत रहिए, बिल्कुल आप विदाउट वेट किए आप बिल्कुल, ये मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना क्लासेस, किस लेवल की क्लासेस आपको दी जा रही हैं, मतलब इतनी स्टैंडर्ड लेवल की क्लासेस आपको दी जा रही हैं। तो बिना सोचे हुए मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, आगे कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, इस पर व्हाट्सअप करिए, और आप शीघ्र 9305077569 आप सीकर एडमिशन लीजिए, बिल्कुल आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हैं, और एक एक कॉन्सेप्ट को दूध का दूध पानी का पानी, मतलब एक एक ऑब्वियस कर दिया जाएगा, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ये मैं पर्सनली एडवाइस कर रहा हूँ कि आप एडमिशन लीजिए, बिल्कुल आपको फायदा होगा, बिल्कुल आपका एग्जाम क्वालिफाई कराएंगे अच्छे नंबरों से, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए आइए देखिए, बिफोर इंक्लूजन फील द गैप, देखिए समावेशी कक्षा आपने कह दिया, समावेशी कक्षा में आप जिन स्टूडेंट्स को सम्मिलित कर रहे हैं, जिन बच्चों को सम्मिलित कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, उनके संदर्भ में आपकी अवधारणा क्या होनी चाहिए, पहले उन पे एक एक पे वर्क करना चाहिए आपको कि ये स्टूडेंट समावेशी कक्षा के योग्य है या नहीं है, समावेशी कक्षा में सम्मिलित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन पे एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए कि ये स्टूडेंट्स, जैसे फ्रेमवर्क तैयार करने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई बालक जो है सेमी ब्लाइंड है, तो उसके लिए आप स्पेक्टिकल्स की व्यवस्था करो, स्पेक्टिकल्स नहीं हो पा रहा है तो कम से कम उसको उसको आगे की क्लास में बैठा दो,
मतलब आपको ये थोड़ा सा वर्क जो है जमीनी लेवल पे वर्क, बैकग्राउंड लेवल पे वर्क करना पड़ेगा कि किस स्टूडेंट्स को कैसे समावेशी कक्षा का मतलब ये नहीं कोई बच्चा हुमिलिएट हो वहां पे, किसी को आप नीचा नहीं दिखाएंगे आप। यू कांट हुमिलिएट एनीबडी, आप किसी को हुमिलिएट नहीं कर सकते। तो आपको समावेशी, इसीलिए कहा जाता है ना कि समावेशी कक्षा के टीचर को बहुत ही उनका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए वो बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए और मेथड्स का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, किसके लिए किस मेथड्स का प्रयोग करेंगे, किसके लिए कितने क्वेश्चंस लेवल, क्वेश्चंस लेवल्स क्या होने चाहिए, इन सब चीज़ों पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। चलिए तो देखिए भाई, बिफोर इंक्लूजन फिल द गैप, फॉर एग्जाम्पल्स प्रोवाइड अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स टू अ सेमी ब्लाइंड चाइल्ड। तो ये मैंने आपको बताया, मतलब अगर कोई बच्चा भाई अंधा है तो उसके लिए तो आपको सोचना पड़ेगा ना, या तो चश्मे की व्यवस्था करो, या तो फिर नहीं हो पा रही है तो आप उससे आगे की कक्षा में बैठाओ। तो इस तरह से जिन स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम रहती है या जिन्हें मान लो कम सुनाई पड़ रहा है, कुछ ऐसे होते हैं मान लो कम सुनाई पड़ रहा है, ऐसे बालक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जो आजकल मशीन आते हैं, कुछ डिवाइस आते हैं, तो उन डिवाइस की व्यवस्था करोगे या उन्हें क्लास की अगली कक्षा में बैठाओगे। तो ये प्रेजेंट, ये बैकग्राउंड वर्क करने का मतलब यही है, बिफोर इंक्लूजन फील द गैप, उस गैप को फिल अप करिए आप, फील द गैप, जो कमियां हैं जो कर सकते हो आप करो, ठीक है। वो तो शेष आप जो दूर करोगे वो तो टीचिंग मेथड के द्वारा आप दूर करोगे, स्पेशल अरेंजमेंट के द्वारा दूर करोगे, लेकिन उस स्पेशल अरेंजमेंट जो आप क्लास में करोगे उससे पहले आप एक बैकग्राउंड लेवल पे एक फ्रेमवर्क आपको तैयार करना चाहिए कि हमें आखिर में इस स्टूडेंट्स को क्लास में बैठाने से पहले क्या ऐसी चीज है जिसकी सख्त जरूरत है। तो वो अरेंजमेंट आपको करना चाहिए, इतना प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको यूज करना चाहिए। चलिए, इन इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम इज कॉमन, देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पे, क्लासरूम इज कॉमन बट टीचिंग मेथड्स कैन बी डिफरेंट। ये बातें मैंने आपको बताया फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन, मैंने आपको जस्ट बताया कि बैकवर्ड स्टूडेंट हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल जीनियस स्टूडेंट्स हैं, तो भाई अलग अलग कंडीशन में उनके लिए टीचिंग मेथड आपके अलग हो सकते हैं। किसी स्टूडेंट्स के लिए जैसे बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं, आपने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का प्रयोग कर लिया, कुछ चीज़ें आप बच्चे को दिखा दिया, बैकवर्ड टाइप के, बैकवर्ड का मतलब वही मंद बुद्धि टाइप के जो बालक हैं, तो उनके लिए आपने ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर लिया, सपोर्ट ले लिया, तो इससे जो है उनकी जो गैपिंग है उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा, उन्हें एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगा। तो लेकिन जो जीनियस स्टूडेंट्स हैं आपने उसको इशारों में भी समझा दिया, बता दिया, वो साइन को भी, वो आपके संकेतों को भी समझ जाएगा, जो जीनियस स्टूडेंट्स हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, लास्ट में हमने पॉइंट लिया है एक्सेप्शन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, टोटली ब्लाइंड, डम्ब एंड डीप। टोटली ब्लाइंड, देखिए टोटली ब्लाइंड जो होता है वो अपवाद है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं आएगा, यानी समावेशी कक्षा में टोटली सेमी ब्लाइंड आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सेमी ब्लाइंड आ जाएगा, सेमी डम्ब या सेमी डीफ आ जाएगा, मतलब कम सुन रहा है या इस तरह से है तो वो आ जाएगा, लेकिन अगर डम्ब है, डीफ है, तो वो नहीं आ पाएंगे टोटली, तो वो नहीं आ पाएंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि उच्च स्तर के जो बालक है, हाई लेवल की, मीडियम लेवल की, और आप कह सकते हैं कि निम्न लेवल के जो बालक हैं, वो सभी समावेशी कक्षा में आ जाएंगे, सभी, वो सभी आ जाएंगे। यानी आप गांव में कोई स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि कोई स्टूडेंट्स पुअर हैं, वो भी आ जाएगा, है ना, कोई स्टूडेंट्स रिच हैं, धनी हैं, वो भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। ईच एंड एवरी चिल्ड्रेन विल बी इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन, बट यहां पे एक्सेप्शन आपको बताया गया, कौन नहीं सम्मिलित होंगे, केवल ये सम्मिलित नहीं होंगे, टोटली ब्लाइंड, ओके, डम्ब एंड डीफ। अब देखिए टोटली जो ब्लाइंड होते हैं, इन्हें ब्रेली स्क्रिप्ट, आपने सुना होगा कि ब्रेली स्क्रिप्ट से इन्हें शिक्षा दी जाती है जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, और हमारी जो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है जो टोटली ब्लाइंड्स को दिया जाता है वो सिक्स डॉट्स होते हैं,
सिक्स डॉट्स का मतलब जैसे आपको ए बताना है तो ए में देखिए क्या है, एक दो तीन चार, है ना, इस तरह से जो है पाँच छः, मतलब वो सिक्स डॉट्स बनाएंगे, उस सिक्स डॉट्स के आधार पर स्टूडेंट्स जो है समझ जाएगा कितने सिक्स डॉट्स। कोई भी लेटर आप ले लीजिए, बी आप ले लीजिए तो बी में भी यही स्थिति रहेगी, एक दो है ना तीन चार पाँच छः, मतलब वो सिक्स डॉट्स होने चाहिए, अब उसके आधार पर वो समझ जाएगा। तो जो इंडियन टोटली ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रेन के लिए जो इंडियन जो सिस्टम है वो ये है कि सिक्स डॉट्स होने चाहिए, कितने डॉट्स होने चाहिए सिक्स डॉट्स, याद रखिएगा। अच्छा, डम्ब एंड डीफ जो स्टूडेंट्स होते हैं इन्हें साइन लैंग्वेज, आपने देखा होगा कि टेलीविजन में साइन लैंग्वेज का प्रयोग होता है, ठीक है, साइन लैंग्वेज के माध्यम से उन्हें एजुकेशन दी जा रही है, तो ये आपने देखा होगा। तो डम्ब और डीफ जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रेन होते हैं, उन्हें संकेतों के माध्यम से, साइन के माध्यम से, उनके अपने संकेत होते हैं, संकेत चलते हैं, और वो धीरे धीरे, आपने देखा होगा ना कि समाचार चल रहा है तो ऐसे ऐसे ये ऐसे, तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं साइन लैंग्वेज, राइट। तो आप ये ऐसा तो है ना, टेलीविज़न आप लोग भी देखते हैं, तो साइन लैंग्वेज की में जो न्यूज़ आते हैं वो किसके लिए आते हैं, डम्ब एंड डीफ के लिए आते हैं। तो गाइस, आप सबके लिए एक कोशिश की गई, एक प्रयास किया गया, और मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन पे ये आपको लेक्चर दिया, वीडियो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो, और निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, यार इस तरह का मैटर कहाँ मिलेगा, आपको खुद ही आप समझ सकते हैं कहाँ मिलेगा। आपने ज़रूर कितने भी वीडियोस देखा है, लेकिन जो ब्रीफ मैंने आपको दिया यहाँ पे, प्रश्न करने का जो तरीका आपका होना चाहिए, जो मेन कॉन्सेप्ट होने चाहिए, जो जहाँ पे डिफ्रेंशिएट आपको करना है, स्पेशल अरेंजमेंट के जो पॉइंट्स हमने आपको बताए, क्या आपने ये सब पॉइंट्स आपने पढ़े, अगर आप खुद ही आप समझिए देखिए, तो आप कहीं ना कहीं अपना वक्त जाया करते हैं। तमाम आप YouTube चैनल देखते हैं, तमाम देखते हैं, और अपना कितना वक्त आप बर्बाद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको स्पेशल तरीके से, अलग तरीके से एक एक चीज़ों को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, इसके बावजूद भी आप लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा कि आप कोऑपरेट करिए, आप हमें मोटिवेट करिए, आप इतना मोटिवेट करो, इतना मोटिवेट करो कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो दूँ। ये आपके पूर्व के वीडियो पर निर्भर करता है, जैसे हिंदी के वीडियो ज़्यादा देखे जा रहे हैं तो उसके ज़्यादा, जिसके वीडियो ज़्यादा देखे जाते हैं उस वो ज़्यादा वो आपको अधिक से अधिक आपको वो उस पर वीडियो बनाए जाते हैं। तो क्या आपको इंग्लिश के वीडियो अधिक चाहिए, मैक्सिमम लेवल पे चाहिए? तो एक एक स्टूडेंट्स को, एक एक ग्रुप में, और अगर ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 5 गरीब छात्रों को ज़रूर आप शेयर करिए, ज़रूर उन्हें आप ये वीडियो दीजिए, क्योंकि मैं आपकी निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। तो आपके अंदर देखो यार, जब आपके इरादे नेक होंगे ना, तभी आपका कल्याण होगा, ये समझ लीजिए। हमारे अगर इरादे नेक हैं, हम आपकी, हम तमाम गरीबों की, तमाम मित्रों की हेल्प भी करते हैं, हम आप सब, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं, लेकिन तमाम ऐसे जो गरीब छात्र होते हैं उनको भी हम लोग क्वालिफाई कराते हैं, उनको, उनके लिए भी हेल्प करते रहते हैं। तो कहने का मतलब, कर भला तो हो भला, अच्छे और नेक इरादों के साथ आप आगे बढ़िए तो ज़रूर आपके साथ अच्छा होता है। तो बिल्कुल आपका ये भाई, आपको नेक इरादों के साथ, अच्छे अच्छी सोच के साथ ये वीडियो आपके हेल्प के लिए दे रहा है। आप ज़रूर इसे कम से कम 5 ग्रुप में ज़रूर आप शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपका कमेंट ज़रूर होना चाहिए, आपका लाइक ज़रूर होना चाहिए, और मैक्सिमम, अगर ये मैक्सिमम लेवल पे ये वीडियो देखा जाएगा, क्योंकि हमने मेहनत किया है आपके लिए, मेहनत किया है आपके लिए, अब आपकी जिम्मेदारी है आपको क्या करना है। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।